तो उन लोगों ने भी हम लोग को दिया है वेलकम ड्रिंक। यस दिस इज कोकम और पीछे मिक्स फ्रूट ड्रिंक भी है, वन इन ऑरेंज। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। एक्चुअली वी आर थर्स्टी और हम अभी बहुत ही टायर्ड लग रहे होंगे आप लोगों को, बट आराम से मिलते हैं, रूम में जाके चेक इन करते हैं एंड फिर मैं आती हूँ आप लोगों के। What happened, Sanvi? What happened? Water. Water. So this is dream come true. Actually, we were planning from such a long time, and I think Sanvi किस्मत में था कि Sanvi को cruise में जाना है, तो हमने वो कर दिया। तो बाकी का डिटेल वीडियो में जाती हूँ, थोड़ा रूम में जाके एंड बढ़िया सा बनाते हैं फ्रेश होने को। वेलकम टू द कॉर्डेलिया क्रूजेस। सो अभी हम आ गए हैं, अपना सब कुछ चेकिंग वेकिंग कर लिया है, तो सोचा आप लोग को रूम टूर दिया जाए। चलिए अंदर चलते हैं। सो दिस इज़ आर रूम 7164, जिसके लिए ऐसी की दी जाती है आप लोग को, हर एक मेम्बर को ऐसी की दी जाती है। अब हम अंदर आते हैं, हम लोग को मिलता है बढ़िया सा डबल बेड एंड यहाँ पे लाइक सिंस वी आर फोर पीपल, तो हम लोगों ने चूज़ किया था। सो यहाँ पे दो बेड्स और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे ओशन व्यू के साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी सी पेंटिंग लगी हुई है, टीवी है यहाँ पे, यहाँ पे दो सॉकेट्स भी दिए हुए हैं जो कि इंडियन नहीं है, आपको अपने लिए यूनिवर्सल अडैप्टर लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंडियन स्विच है, यहाँ पे कुछ ड्रॉअर्स दिए हुए हैं एंड एक बढ़िया सा मिरर रेडी होने के लिए। मेरे लेफ्ट साइड पे है एक वॉशरूम जो कि छोटा ही है, लेकिन आई थिंक इट्स मैनेजेबल, तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। सो वॉशरूम इज़ लाइक दिस एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक शावर एरिया भी है। सो नाउ वेलकम टू माय राइट साइड, यहाँ पे कुछ लाइफ जैकेट्स दी हुई हैं, तो चार लाइफ जैकेट्स हैं एंड यहाँ पे एक सेफ भी दिया हुआ है। उसके अलावा आपको अपने कपड़े अगर टांगने हैं तो आप कपड़े भी टांग सकते हैं, लाइक क्वाइट इनफ स्पेस एक्चुअली आई कैन से। एंड यहाँ पे भी लाइक दोनों साइड पे एक्चुअली अच्छा खासा स्पेस है। सो पहले मुझे लगा था कि रूम कितना छोटा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मुझे रूम अच्छा खासा बड़ा लग रहा है फॉर फोर पीपल। सो बस अभी हम लोग थोड़े फ्रेशन अप होते हैं एंड देखते हैं, थोड़ा क्रूज को एक्सप्लोर करते हैं। तो रूम टूर के बाद हम गए थे लंच करने। यहाँ के लंच टाइमिंग्स हैं 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक दोपहर को, इसलिए अगर आपकी बोर्डिंग दोपहर को हो रही है तो लंच आपके लिए भी अवेलेबल है। फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है एंड देयर आर सो मेनी आइटम्स इन द बुफे। एंड आफ्टर दैट अभी इस वक्त यहाँ पे शाम को हो रहा है, यहाँ पे इस वक्त शाम को हो रहा है ड्रिल। ड्रिल में हमें बताया जाएगा, सर्टेन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। स्टे ट्यून्ड। सो सेफ्टी ड्रिल खत्म हो गया है, फिलहाल हम यहाँ पे डेक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे इन टोटल 10 डेक्स हैं और 11वां डेक भी है, बट वो काफ़ी छोटा है इसलिए वो कंसिडर नहीं किया जाता एज अ डेक। और इस वक्त हाई टी का टाइम हो चुका है, तो बस हम यहाँ से जा रहे हैं हाई टी के लिए। टट्टा गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अभी डेक्स पे, कुछ तो इंस्ट्रूमेंटल वाला प्रोग्राम हो रखा है, होने वाला है, तो हाँ, हो गया है वो, हो गया है हाँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएं, सानवी सो चुकी है, बट आप सी द व्यू गाइस, व्यू लाइक सो गुड, इट्स आवर ड्रीम ड्रीम कम ट्रू, एक्चुअली डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते। सो ये जो हमारा क्रूज है वो है मुंबई टू मुंबई, तो ये मुंबई में रहेगा दोनों दिन और हम लोग मंडे को यहाँ से हम लोग को ड्रॉप कर देगा ये। सो लेट्स सी, हम लोग क्रूज एक्सपीरियंस भी लेना था एंड देखते हैं कैसा होता है, बट यू देखिए आप, व्हेन शी सेड मुंबई में रहेगा, डजंट मीन दैट वो फॉल्ट रहेगा, वो मुंबई से कुछ 20-25 मे बी 30 मील और व्हाटएवर दे से नॉटिकल माइल्स वो ट्रैवल करेगा, पानी के बीचों बीच रहेगा फॉर 1.5 डे एंड देन मंडे मॉर्निंग हमको वापस डॉक पे ड्रॉप कर देगा। करेक्ट। सो फिलहाल के लिए मैं ये व्यू एंजॉय करती हूँ, अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ, तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। Ta
तड़ास। तो ये वाला जो सेक्शन है वो है वेजिटेरियन, ये मतलब मिक्स है, वेज नॉन वेज है। और ये जो है प्रॉपर वेजिटेरियन सेक्शन है, तो यहाँ पे वेज एंड जैन ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। सो टेंशन की बात नहीं है, आपको सारे टाइप के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्टारलाइट रेस्टोरेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है जैन फूड। तो यहाँ आपको सब आपको जैन मिलेगा, लाइक विदाउट अनियन एंड पोटैटो और जिंजर एनीथिंग लाइक दैट। सो या, और बच्चा हमारा सो के उठ चुका है एंड शी इज़ एंजॉइंग अ लॉट। सो लेट्स सी गाइस। तो हम लोग, जैसे आपने देखा है, हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे गए थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। देन हमारा बच्चा रोने लग गया। उसके बाद हम लोग गए एक जैन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है विच इज़ कॉल्ड स्टारलाइट रेस्टोरेंट। सो वी हैव टेकन दैट पैकेज विच इज़ ऑल इंक्लूसिव, तो हम लोग को सब कुछ इंक्लूडेड था उसमें। एंड सानव्यू खाना खिलाया, हमने खाया। उसके बाद अभी अराउंड बज रहा है 9:30 के अराउंड। 9:30 से कुछ एक्टिविटीज़ हैं विच लाइक फैमिली गेम और समथिंग, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाएं। देन उसके बाद दे हैव दिस शो कॉल्ड बल्ले बल्ले विच इज़ अराउंड 10 to 11 आई थिंक, सो 10 to 10:30 आई एम नॉट श्योर, बट या वो शो है। एंड लेट्स सी कैसा होता है वो शो। आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शो, सो लेट्स सी। थक तो हम काफ़ी चुके हैं, बहुत हालत ख़राब हो रखी है। थोड़ा सा ना फील भी होता है एक्चुअली इसमें कि मूव हो रहा है ये शिप, तो थोड़ा सा सानवी को भी उस चीज़ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट आई थिंक नाउ शी इज़ फाइन बिकॉज इट टेक्स टाइम। बिकॉज हम लोग को अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो छोटी है तो उसको तो हो ही रहा होगा, बट नाउ शी इज़ फाइन विच इज़ वेरी गुड। एंड बस अभी थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर जाएंगे नीचे एंड देती रहूंगी आप लोग को अपडेट। आप बिलीव करोगे, इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:15 और जस्ट नाउ यहाँ पे डीजे पार्टी ख़त्म हुई है, जो कि डेक 10 पर है, हाईएस्ट डेक। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ इस वक्त रात को 2:15 समंदर कैसा दिखता है। ये चांद और ये समंदर, ये कितना डरावना दिख सकता है किसी को यार। एकदम अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है बिकॉज ऑफ मूनलाइट। बहुत ही भयानक है यार, मॉर्निंग, इट्स आवर सेकेंड डे हियर एंड अभी बज रहे हैं 7:30 और बहुत ही अमेजिंग व्यू आप देख सकते हैं हमारे पीछे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम मुंबई से कितना दूर है, आई थिंक 20-30 किलोमीटर शायद, बट एक भी बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक, और देखने में इतना अच्छा दिख रहा है, लाइक रिलैक्सिंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा डिजीनेस फील हुआ था, क्योंकि सिंस इट्स मूविंग और सी सिकनेस थोड़ा हो सकता है, बट हाँ आपको बहुत नहीं लगेगा ऐसे कि आप समंदर के बिल्कुल बीचों बीचों या अंदर हो, बारिश आ रही है, फील नहीं होता है, सो वी हैव टू गो, कुछ फील नहीं होता। अगर हेलो, तो हम लोग आ गए नाश्ता करने, बताओ कैसे कैसे ऑप्शंस हैं नाश्ते के। बहुत अच्छे ऑप्शंस है, स्टार्टिंग विद साउथ इंडियन, यहाँ पे है इडली, चटनी, सांभर, वड़ा, सो साउथ इंडियन इज कवर्ड। उत्तपम भी है, बहुत ही छोटा है। देन कमिंग टू द नॉर्थ इंडियन फूड्स, यहाँ पर है आलू के पराठे, इसलिए वो भी कवर्ड है, और जिनको दोनों ही नहीं खाना है उनके लिए वहाँ पे सैलेड पड़े हैं, ब्रेड है, सो यू कैन इवन मेक अ टोस्ट, जैम, बटर, एवरीथिंग, जो कि स्टैंडर्ड बफे में रहता है हर जगह, वही सब है, बट इट्स गुड, द क्वालिटी इज गुड, टेस्ट इज गुड, बहुत मजा आ रहा है। एंड बच्चा रोते हुए, सानवी कुछ कहना चाहोगी, आप कुछ बोलना है कुछ बोल। अच्छा हेलो, अच्छा अच्छा था,
ओके बाय बाय. अच्छा बाय कर दो. ये दिखाया ही नहीं मेरा सबसे बेस्ट व्यू. दीज टू पीपल एंड और भी अमेजिंग व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. क्या आप देख सकते हैं यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग है. तो हमारे रूम में है विंडो बढ़िया सी और यहाँ पे ये बच्चा एंजॉय करते हुए. वाओ सी सानवी द डॉल्फिन्स. वाओ यस सी कैन सी द डॉल्फिन. डॉल्फिन मेरी जानी डॉल्फिन है. ये सानवी ना अपने आप को ढूंढ रही है, अपनी फोटो ढूंढ रही है. क्या अच्छे फोटो जो यहाँ देखो, ये है हमारी फोटो. हे गाइस, सो हम लोगों ने अभी लंच किया है इन द स्टारलाइट रेस्टोरेंट जो कि प्योर वेज एंड जैन लोगों के लिए है. तो जो भी कोई जैन है मेरे लिस्ट में तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपना लंच डिनर एंड इवन ब्रेकफास्ट दे आर गिविंग. So, कैसा लगा तुम्हें लंच? गुड. फूड इज नॉट डिफरेंट. मतलब जैसे यहाँ पे दो अलग अलग जगह है, एक है ऊपर फूड कोर्ट और यहाँ पे एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है. फूड दोनों जगह सेम है, जस्ट दैट देर आर टू सेपरेट प्लेसेस जस्ट टू अवॉइड द रश. पर जैन फूड इज स्पेसिफिकली सर्व्ड हियर ओनली, नॉट एट द फूड कोर्ट. इसलिए अगर आप स्पेसिफिकली जैन फूड खाना चाहते हैं तो आप इस वाली जगह पे आ सकते हैं. इस रेस्टोरेंट का नाम है स्टारलाइट. भी कुछ गेम्स वेम्स हैं उधर फिफ्थ फ्लोर पे, तो लेट्स सी कि कौन से गेम्स आपको मजा आता है कि नहीं आता. उसके बाद हम लोग मिलते हैं आप लोगों से. Sanu, say hi. Sanu, hi. Sanu, say hi. Hi, Kadhi. Hi. 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 Wait, keep. इस वक्त बज रहे 6:20. हमने कर ली है हाई टी ख़त्म. हाई टी वॉज गुड और बिकॉज इट्स 6:20 इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू हैव अ वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू यू नो हैव अ सनसेट नाउ. बहुत ही अमेजिंग व्यू है. हम लोग ऊपर डेक पे गए थे विच इज़ 11th फ्लोर. वहाँ से एकदम ओपन व्यू है, दूर दूर तक सिर्फ हराइजन दिख रहा है और सनसेट बहुत ही क्लियरली दिख रहा है. इट्स फन. और यहाँ पे ना बैक टू बैक एक्टिविटीज़ हो ही रही है, 6 से 6:30, 6:30 से 7. इट्स लाइक बैक टू बैक एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग. आप बोर तो होने वाले हो ही नहीं, इनफैक्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी एक्टिविटी करें और कौन सी एक्टिविटी ड्रॉप करें, राइट? सो इट्स ऑलवेज लाइक यू हैव टू कम बैक टू डू द रिमेनिंग एक्टिविटीज़.
गाइस तो वी आर बैक इन आवर रूम क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना था सो हम लोगों ने उसको वो खिलाया अभी बट मैंने आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई हूँ जो कि है कॉर्डेलिया टुडे करके इट्स लाइक जस्ट अ न्यूज़पेपर थिंग टाइप तो यहाँ पे नहीं दिन भर का एक्चुअली पूरा आता है कि कॉर्डेलिया डे और क्या क्या टाइम है उसका टेम्परेचर टिप्स फॉर द डे हाइलाइट ऑफ द डे वेन्यू एक्टिविटी लाइक एवरीथिंग शॉप्स पिक्चर्स बाय द सी लाइक आपको हर चीज़ में मिल जाएगी ताकि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको पूरे दिन में विच एक्टिविटीज यू हैव टू डू सो यू कैन प्लान योर डे अहेड एंड आपको ऑब्वियसली लाइक सारी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एट अ टाइम आप एक ही जगह पे हो सकते हो एक ही हाँ ओके एट अ टाइम आप एक ही जगह पे हो सकते हैं सो या ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे लाइक आपको प्रॉपरली पता चलेगा इसमें से जस्ट हमने इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ प्लान लाइक पेड है कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूसिव है हमारे पैकेज में सो या ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी टुडे इज़ आर लास्ट डे एंड देर इज एक्चुअली कोई एक्टिविटी नहीं है देर सम डीजे गोइंग ऑन एंड उसके बाद कुछ कैरियो हो रहा है ऊपर सो आई एम जस्ट गोइंग टू सी एंड देखते हैं कि हम कुछ उसमें से कर सकते कि नहीं डीजे नाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता ओके सानवी वॉन्ट्स टू से बाय यस शी इज टेलिंग यू बाय बाय कह दे सो ओके गाइज गुड नाइट तो अभी मैं मिलती हूँ आप अभी नहीं सॉरी कल मिलती हूँ आप लोगों से सुबह हम लोग को सुबह का भी आ गया है 8:15 तक हम लोग को वेन्यू पॉइंट पे जाना है लाइक इन द शिप ओनली तो सारे डेक्स के ना अलग अलग मीटिंग पॉइंट्स होते हैं तो उसमें हम लोग को जाना है आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल मीट यू गाइस हो रही है हमारी शिप डॉक धीरे धीरे आप देख रहे हैं डॉकयार्ड की तरफ शिप जा रही है और बस कुछ ही मिनटों में अब ये शिप डॉक हो जाएगी ऑल राइट गाइज इट्स टाइम टू चेक आउट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हमने पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि क्या है कैसा है कितना है एंड मजेदार है या नहीं एंड स्टफ राइट सो मजा करिए बस और जल्दी जल्दी कॉर्डेलिया आइए आप भी टड़ास